बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा सलात वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट मैथमेटिक्स 4 यूनिट 5 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.3 टॉपिक कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस लेक्चर नंबर 14। तो आइए आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ SLOs ऑफ दिस लेक्चर आर यू विल बी एबल टू कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस एंड सेकेंडली यू विल बी एबल टू ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली, इन कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विद द ग्रेटर नोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। मैं आपके लिए दोबारा इसको पढ़े देता हूँ। इन कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विद द ग्रेटर नोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। एंड सेकेंडली, इन ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एट द एंड। एंड लास्ट वन इज इन ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एट द एंड। इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है वो एग्जांपल्स की है। फर्स्ट एग्जांपल्स में मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स रखी हैं जिन्हें मैंने फ्रैक्शंस को कंपेयर किया है। आप फर्स्ट फ्रैक्शन चेक करें, 1/5 है और सेकंड फ्रैक्शन है 3/5। अब आप गौर करें, इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। तो मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट स्लाइड में कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन भी बड़ी कंसीडर की जाएगी। और अब हम इसको चेक करते हैं, 1/5 इज़ लेस देन 3/5, इट मीन्स 3/5 जो है वो ग्रेटर है एंड 1/5 स्मॉलर है। नाउ इसी तरह हम अगली फ्रैक्शन को चेक करते हैं, 4/5 और 3/5। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, नोमिनेटर में देखें कौन सा बड़ा है। यस शाबाश, चूँकि 4 नोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये फ्रैक्शन भी बड़ी है। तो कंपेयर करते हुए हम जो साइन लगाएंगे वो ग्रेटर देन का लगाएंगे। तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 3/5। अब हम अपने लेक्चर के अगले पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस हैं। और जब ऑर्डरिंग करते हैं हम, तो इट मीन्स हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। नंबर वन इज़ असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटी फ्रैक्शन फिर बड़ी फिर बड़ी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ी फ्रैक्शन फिर छोटी। ठीक है, अब आप देखिए हमारे सामने जो फ्रैक्शंस हैं वो सेम डिनोमिनेटर के हैं, इट मीन्स ये सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं। असेंडिंग ऑर्डर में चेक करें, नोमिनेटर सबसे छोटा 1 है, इट मीन्स वो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगी, फिर 4 है, फिर 6 है। तो ये जो सीरीज़ बनी, जो तरतीब बनी, ये छोटे से बड़े की तरफ बनी, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स जो पहले बड़ी फ्रैक्शन होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी को लिखेंगे। चूँकि सेम डिनोमिनेटर हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसी तरह से हमने जब इनको लिखा ऑर्डरिंग की डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 6 फिर 4 फिर 1। समझ आ गया बेटा? नाउ इस वक्त एक्सरसाइज हमारे सामने 5.3 स्टार्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फ्रैक्शंस यूजिंग सिंबल्स ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन। अब हम देखिए, पार्ट ए है, इसमें 2 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, 1/8 है और 5/8 है। तो पिछला जो हमने स्लाइड को हमने सीखा था, पिछली स्लाइड में हमने यही सीखा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम देखेंगे कि नोमिनेटर किस फ्रैक्शन का बड़ा है।
तो हमने देखा 5 वाली जो फ्रैक्शन है उसका नोमिनेटर बड़ा है 5/8, तो हमने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया क्योंकि 1/8 जो है वो लेस देन है 5/8 से, छोटी है। अब इस तरह बी में भी आप चेक करें 5/9 है और आगे 2/9 है, तो नोमिनेटर 5 बड़ा है इसलिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। तो याद रखिए तीर का मुंह जिस तरफ होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, जिस तरफ से मुंह बंद होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी और जो मुंह खुला होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब इसी तरह से आप चेक कीजिए सी पार्ट है, डी पार्ट है, ई पार्ट है, एफ पार्ट है, इनको आपने खुद सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटी होगी। अब इसी तरह से हम तरतीब में देखें असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो आप गौर करें तो 3/5, 1/5, 2/5, इनमें तरतीब जो बन रही है असेंडिंग ऑर्डर की वो बन रही है 1/5, 2/5 और 3/5। इस तरह से आपने बी और सी पार्ट को खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप गौर कीजिए पार्ट ए में हमारे पास है 1/8, 5/8 एंड 3/8। तो आप गौर कीजिए सबसे बड़ा नोमिनेटर किसका है, 5/8। यस, तो 5/8 को हम पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3/8 को सेकंड में लिखेंगे और जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है 1/8। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आपने बी और सी को खुद सॉल्व करना है। तो आइंदा लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।